PS5 दो साल पहले लॉन्च हुआ था, दो साल पहले हमने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है। तो अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस अभी चल रहा है समर ऑफर्स एंड यहाँ पे PS5 के ऊपर है ना आपको 5000 रुपीज का फ्लैट ऑफ देखने मिलता है। एंड बहुत सारे लोगों को है ना मिसकंसेप्शन है कि यार PS5 की अवेलेबिलिटी को भी लेके। एंड एक दूसरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पता है क्या है, यार हमने 55,000 की सिस्टम खरीद ली बट उसके बाद जो गेम्स के ऊपर खर्चा होता है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे जाता है। तो उसका भी सलूशन है हमारे पास एंड इसे आप ऑर्डर कर सकते हो, एक दिन में आपको डिलीवरी मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या है सारे ऑफर्स, सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए गाइस, फर्स्ट टाइम हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे गाइस PS5 के है ना दो एडिशन आपको देखने मिलते हैं, एक है डिस्क एडिशन, दूसरा है डिजिटल एडिशन। डिजिटल एडिशन की प्राइसिंग है लगभग 45,000 रुपीज एंड 40,000 में करंटली ये सिस्टम अवेलेबल मिल रही है, टू बी प्रेसाइज 39,990। एंड ये जो एडिशन है ना ये डिस्क एडिशन है तो इसकी प्राइसिंग है 54,990 एंड करंटली समर ऑफर के तौर पे आपको ये सिस्टम मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 49,990 रुपीज़ की प्राइस में। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इसका मतलब PS5 का ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा है, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, बाहर 10,000-15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके लोगों को परचेस करना पड़ रहा है। बट अभी गाइस अवेलेबिलिटी है, स्टॉक में है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, 5,000 रुपए का डिस्काउंट भी है, तो भाई देर किस बात की। एंड वैसे गाइस इसके जो फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस वाला पार्ट है ना ऑलरेडी मैंने दो साल पहले ही बता दिया है। आई बटन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको डिटेल्स जानने हैं इसके बारे में। एंड यस गाइस इस सिस्टम के ऊपर गेमिंग का जो मजा है भाई अल्टीमेट है, मतलब 50,000 में आपको इतनी अल्टीमेट सिस्टम यहाँ पे देखने मिल रही है कि अगर आप 1-1.5 लाख का PC बिल्ड भी करोगे ना तो भी वहाँ पे उतना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आपको देखने नहीं मिलता है। एंड यस इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में आपको रे ट्रेसिंग DLSS जैसे फीचर्स देखने मिलते हैं, शैडोज रिफ्लेक्शन बहुत ही क्लियरली आपको देखने मिलेंगे। एंड रिसेंटली है ना मैंने यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर रैगनारॉक की जो CD है ना उसे भी परचेस किया। इसका एक बंडल पैक आता है जहाँ पे गॉड ऑफ वॉर का ऐसा एक पोस्टर आपको देखने मिलेगा बॉक्स के आगे की तरफ, जिसकी प्राइसिंग है लगभग 54,000 विद द CD, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। तो ये जो गेम है भाई साहब बहुत ही स्टनिंग गेम है, यहाँ पे ग्राफिक्स वाला पार्ट आप देख सकते हो बहुत ही अल्टीमेट निकल के आता है, डुअल सेंस वायरलेस कंट्रोलर की हेल्प से, तो भाई बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे ना हमने पल्स 3D हेडफोन्स भी यूज़ किए थे, उसके बारे में हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे वो मिथ की तरफ, जो मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोगों का एक मिथ है कि भाई PS अगर खरीदा तो उसके बाद गेम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एंड अभी हम बात करते हैं गेम स्टोर को लेके। सो गाइस बहुत सारे लोगों को पता है कि PlayStation के जो गेम स्टोर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे डिफरेंट गेम्स आपको देखने मिलते हैं। एंड करेंटली अगर मैं यहाँ पे FIFA 23 की बात कर रहा हूँ तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 4,499। एंड ऐसे कई सारे और भी गेम्स है जैसे WWE का ये जो गेम है 2K23, इसकी प्राइसिंग है 3,749। सो यार कंसोल तो एक बंदा परचेस कर लेता है 50,000-55,000 का, डिस्क एडिशन है, डिजिटल एडिशन है, बट उसके बाद खर्चा होता है गेम्स में। बट गाइज यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको देखने मिलता है PlayStation Plus सब्सक्रिप्शन। सो यहाँ पे डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपको देखने मिलेंगे। करंटली गाइज यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्लान है, PlayStation Plus एक्स्ट्रा प्लान है, उसके लिए मैंने सब्सक्राइब किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी सारे टाइटल्स वगैरह दिखेंगे ना यहाँ पे मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इनिशियल 1 मंथ के लिए पे किया है मात्र 750 रुपये, टू बी प्रेसाइज 749। एंड इसके ना डिफरेंट प्लान्स आपको देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक प्लान है ना वो है एसेंशियल प्लान, जिसकी प्राइसिंग है मंथली 499। फिर गाइस जो दूसरा प्लान है जिसके लिए हमने सब्सक्राइब किया है वो है एक्स्ट्रा वाला प्लान, जिसकी प्राइसिंग है रुपीज 749। डीलक्स प्लान आपको देखने मिलता है 849 का। एंड वैसे गाइस ये ना मंथली प्लान्स है, अगर आप 3 मंथ्स के या फिर 1 साल का प्लान लोगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिलेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डीलक्स प्लान ईयरली आपको देखने मिलता है रुपीज 5,749 का, एक्स्ट्रा वाला जो प्लान है वो आपको देखने मिलता है रुपीज 4,999 एंड एसेंशियल प्लान रुपीज 2,999। एंड जैसे मैंने बताया ना एक्स्ट्रा प्लान के लिए करंटली मैं सब्सक्राइब हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइटल्स जो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ वो सारे यहाँ पे मुझे देखने मिलेंगे। वुल्फेंस्टाइन है, द ओल्ड ब्लड, फिर यहाँ पे अनचार्टेड है, फिर बाद में टॉम क्लैंसिस का गेम है, ढेर सारे गेम्स है। यहाँ पे व्यू ऑल में मैं जा सकता हूँ, वहाँ से मैं ढेर सारे जो गेम्स है ना इस पर्टिकुलर प्लान में मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो हर बार है ना मुझे उस पर्टिकुलर गेम को परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये सब्सक्रिप्शन चल रहा है तब तक ये जितने भी सारे गेम्स है ना मतलब यहाँ पे मैं डाउनलोड करके खेल सकता हूँ। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया गेम्स आपको देखने मिलते हैं,
नीचे की तरफ आप देख सकते हो फार क्राई है, प्रिमल है, न्यू डॉन है, तो ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स से डेफिनेटली आप डाउनलोड करके खेल सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे डीलक्स प्लान की बात करूँ तो करंटली जैसे मैंने बताया 749 का ये वाला प्लान सब्सक्राइब है, डीलक्स प्लान, जहाँ पे सिर्फ 96 रुपीज़ मुझे पे करना एक्स्ट्रा, तो पे कर दे 96 एक्स्ट्रा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपैरिजन है एक्स्ट्रा एंड डीलक्स प्लान का, 96 में मैं अपग्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना गेम ट्रायल्स भी मुझे मिलेंगे जो बहुत ही अमेजिंग बात है। मंथली गेम्स यहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, बट यहाँ पे जो मंथली गेम्स है ना उनके टाइटल्स एक्सक्लूसिव होते हैं एंड गेम कैटलॉग है, क्लासिक गेम कैटलॉग भी आपको देखने मिलता है। सो यस, कंटिन्यू करते हैं, अपग्रेड करते हैं प्लान को, एक्सेप्ट, प्लेस एन ऑर्डर, बूम। गाइस यहाँ पे जो प्लान है वो चेंज हो चुका है एंड नाउ वी आर सब्सक्राइब टू डीलक्स प्लान। चलो डीलक्स प्लान में क्या क्या गेम्स है वो देखते हैं। सो गाइस ये है कंप्लीट गेम्स की लिस्ट जो डीलक्स प्लान में यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। एंड यस यहाँ पे द लास्ट ऑफ अस पार्ट वन वो भी आपको देखने मिल रहा है, फिर यहाँ पे NBA के गेम्स है, फिर नीचे की तरफ और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स आपको देखने मिलेंगे। साइबर पंक भी यहाँ पे आपको देखने मिलता है और WW 2K22, सो ऐसे ढेर सारे गेम्स आपको देखने मिलते हैं। एंड यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब यहाँ पे जो गॉड ऑफ वॉर रैंगरॉक है उसे भी मैं डीलक्स प्लान में खेल सकता हूँ। भाई ये जो गेम है ना बंडल्ड पैक में आपको देखने मिलता है PS5 के साथ, तो वो जो बंडल्ड पैक है रफली 54,000 का आपको देखने मिलता है, बट अभी मैं डीलक्स प्लान के लिए सब्सक्राइब हूँ तो भाई डाउनलोड करके इसे खेल सकता हूँ। सो गाइस ये एक एडवांटेज है। तो बहुत सारे लोग जो लोग सोचते हैं ना कि यार मतलब CD पे खर्चा होगा, तो आप ये प्लान्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। सो यस गाइस ये जो डुअल सेंस वायरलेस कंट्रोलर है गाइस सुपर ऑसम है गाइस। इसमें ना हैप्टिक्स बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलते हैं जब भी आप गेमिंग कर रहे हो एंड यहाँ पे आपको मोशन कंट्रोल का ऑप्शन देखने मिलता है, बिल्ट इन माइक भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड इस कंट्रोलर के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है चीज़ें, बट यस अभी के टाइम पे ना यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस देखने मिलते हैं। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे कलर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ लिमिटेड एडिशन कंट्रोलर्स भी आपको देखने मिलते हैं एंड यहाँ पे और एक प्रो लेवल कंट्रोलर आपको देखने मिलता है जो बेसिकली है डुअल सेंस एज वायरलेस कंट्रोलर, जहाँ पे रेयर में भी आपको कुछ कीज देखने मिलते हैं L3 R3 वाले, जिसकी हेल्प से गेमिंग वाला जो एस्पेक्ट होता है ना बहुत ही ज़्यादा एनहांस्ड आपको देखने मिलेगा अगर आप एक प्रो गेमर हो। एंड उसी के साथ है ना यहाँ पे हमने और एक एडिशनल हेडसेट परचेस किया है जो है प्लेस्टेशन का। अब लगा पेट में जोर से मार रहे हैं, सॉरी ऐसे मारेगा मेरे को, गुस्सा है तो ये गुस्सा निकाल रहा है मेरे पे, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। सो यस गाइस ये है पल्स 3D हेडसेट एंड इसे हमने परचेस किया लगभग 7,500 रुपए की प्राइस में। ये है वो एक्चुअल हेडसेट गाइस, इसका जो बिल्ड है ना कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट का आपको देखने मिलता है, हालांकि हमारे पास ब्लैक कलर में यूनिट है, यहाँ पे ना एक वाइट कलर में भी आपको यूनिट देखने मिलता है जिसका लुक एंड फील बहुत ही तगड़ा निकल के आता है। यहाँ पे ना ऊपर की तरफ जो हेड स्ट्रैप है सिलिकॉन का आपको देखने मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है जब भी आप इसे वेयर कर रहे हो। एंड यस ये कम्प्लीटली वायरलेस कंट्रोलर है, हालांकि इसके अंदर ब्लूटूथ वाला पार्ट आपको देखने नहीं मिलता है, डोंगल के साथ आपको इसे कनेक्ट करना है एंड बूम उसके बाद आप 3D सराउंड साउंड में यहाँ पे गेम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ना आपको कई सारे बटन्स देखने मिलते हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन म्यूट अनम्यूट पावर ऑन का बटन एंड यस यहाँ पे उन्होंने ऑक्स का भी इनपुट प्रोवाइड किया है, तो आप वायर्ड ऑक्स की हेल्प से भी इसे यूज़ कर सकते हो। एंड यस यहाँ पे जो गेमिंग वाला पार्ट था ना इस पर्टिकुलर हेडसेट से बहुत ही इमर्सिव निकल के आता है। 3D सराउंड साउंड इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है, मतलब अगर आप राइट साइड में शूट कर रहे हो, लेफ्ट साइड में शूट कर रहे हो या फिर जो फुटस्टेप्स है ना वो भी काफी क्लियरली आपको सुनने मिलेंगे। एंड गाइस इसके अंदर ना आपको बिल्ट इन बैटरी देखने मिलती है, लगभग फुल चार्ज पे ना 12 आवर्स तक इसका प्लेबैक टाइम आपको देखने मिलेगा। एंड गाइस अदर देन दैट आप सभी को पता है कि यार प्लेस्टेशन पे सिर्फ गेम्स ही नहीं खेलते, यहाँ पे मीडिया वाला एक टैब आपको देखने मिलता है जहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप कंटेंट वॉच कर सकते हो, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स पे आपको काफ़ी हाई डेफिनेशन कंटेंट आप देख सकते हो। एंड यस गाइस पल्स 3D हेडफोन्स की हेल्प से यहाँ पे जो कंटेंट वॉचिंग का भी मजा है ना वो बहुत ही अल्टीमेट निकल के आता है। मान के चलिए मतलब रात के टाइम पे अगर आपको मूवी देखना है, स्पीकर पे नहीं सुनना है आपको, भाई ये हेडफोन्स लगाओ, बिना किसी को डिस्टर्ब किए कंटेंट वॉच कर सकते हो, गेम्स भी डेफिनेटली खेल सकते हो, प्राइम वीडियोज़ वाला फैक्टर हो गया, यूट्यूब का भी देखना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये हेडफोन्स विथ PS5 इज अल्टीमेट लव। सो वैसे गाइस समर वैकेशन का टाइम है, दिस इज़ द अल्टीमेट टाइम टू गेट दिस सिस्टम जहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है एंड यस आप PlayStation Plus का सब्सक्रिप्शन लेके ढेर सारे डिफरेंट गेम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पे आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने वाले। ऑलरेडी मेरे सारे प्लान्स वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी है, जितने भी सारे एडिशनल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेडफोन्स हो गए, PlayStation हो गया,
पल्स 3D हेडसेट हो गए, सोनी के इनजोन हेडफोन्स है, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे गाइस, क्या आपके पास PS5 है, नहीं है, कमेंट करके बताना। क्या आप परचेस करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। एंड यस गाइस, यहाँ पे ना आपको व्यू प्रोडक्ट्स का एक टैब भी देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको प्ले स्टेशन एंड उसके एसेसरीज देखने मिलेंगे। आप डायरेक्टली वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, सो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस, बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।